लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनों के डीए में भी 4% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होगी। मीडिया कर्मचारी के हित में भी अहम निर्णय यहाँ लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की है। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 70,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रूपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता 3 साल 5,500 रूपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोगों का मोदी की गारंटी में एक भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं।